रोशी आज कितना प्यारा लग रहा है ना? रोशी को समझ नहीं आ रही कब मुझे रखना पड़ेगा, तभी मैं ऐनक में बहुत अच्छे लग रहे हो। यू लुक्स गुड। यस, हाँ अच्छे लग रहे हो ना। यहाँ पे सबको हाय कर दो। हाय, गुड मॉर्निंग। तो जनाब आज का मेरा नाश्ता बेड पर ही हो रहा है, क्योंकि आज मैं लेट हो गई हूँ। वो मैंने कल के व्लॉग की एडिटिंग नहीं की थी, वो मैं आज अपलोड कर रही हूँ अभी। साथ साथ मेरा नाश्ता भी चल रहा है। मैं अभी ऑफिस जाने की तैयारी करूँगी। माहनूर को जाते जाते मैं काम सौंप लूँ। माहनूर हाय। नहीं, ये काम करना है आज। अच्छा आज के लिए तो ये कपड़े निकाल लो कि ये मैं टेलर को दे दूँ। ये सारे मेरे हैं ना? ये वाला आप नहीं, ये मेरा है और ये वाला मेरा है। ये तीन मेरे हैं, एक आपका है। महानूर का सिर्फ एक है और मेरे ये तीन है ना? ये मेरा है। आपका ग्रे कलर का है जिसके ऊपर पिंक फूल बने हुए हैं, देखो ना उसमें पड़ा हुआ है। इधर देखो जरा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। ये वाला नहीं, ये मेरा है, इसी तरह का ग्रे में उधर पड़ा होगा अलमारी में, देखो उसके ऊपर पिंक फूल बने हुए हैं, वो आपका है। वो सॉफ्ट सा कपड़ा है थोड़ा। इतना महंगा सूट मैं इसको थोड़ी दे सकती हूँ। सुनना ले। अच्छा हाँ, ये वाला है। मुझे ग्रे कलर अच्छा नहीं लगता बात ही। ये देखो ये कितना प्यारा है। वही तो मैं कह रही, इतना प्यारा बना ले, प्यारा लगेगा। ये मेरा है। ये भी आपका? हाँ ये मेरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरबानी करके इस लड़के को आज कपड़े दे दो कि ये चेंज कर ले। इसने दो दिन से ये सूट पहना हुआ है और मेरा दिल करता है। अच्छा इसको स्कूल भेजो ना, आज इनकी पार्टी है ना, जाओ जल्दी करो, पहले इसको स्कूल भेजो, जल्दी करो, मेरी ऑफिस का लेट हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ। इसको 2000 years later मेरी ऑफ हो गई है, मैं भी जा रही हूँ, मेरी एक दो एक्टिविटीज और हैं, वहाँ से मैं अपना जो है वो काम इन करती हूँ। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है, ये देखें। अच्छा जी, मैं आई हूँ यहाँ पर लेपर्ड ऑफिस, यहाँ से मैंने अपना पार्सल रिसीव करना है जो कि इन्होंने वापस कर दिया था। देखते हैं, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है। ये ढूंढ रहे हैं मेरा पार्सल अभी। फाइनली मैंने अपना पार्सल रिसीव कर लिया है, इतना सारा सामान। तो फाइनली मैंने अपना पार्सल रिसीव कर लिया है। इतना टाइम वेस्ट किया इन्होंने मेरा, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, मतलब पार्सल लेके और फिर घुमा देते हैं, वहाँ पे लिस्ट में डाल देते हैं कि जी जो कस्टमर है वो घर पे मौजूद नहीं थे। तो अभी जाऊँगी घर। अरसलान उठो जल्दी से, कोट पहनो, वो नीचे ड्राइवर खड़ा है, उसके साथ जाओ, ये कैट ले जाओ डॉक्टर के पास, जल्दी उठो। नहीं वो उठो, साय खराब हो रहा है मेरे। तोरी अच्छा जाओ, शूज पहनो, इस डॉक्टर के पास ले जाओ, जाओ बेटा इसके साथ, वो नहीं जा रहा ना। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। घर में आ गई हूँ, मुझे पार्सल रिसीव करना था, ऑफिस से मैं डायरेक्ट जो है वो ऑफिस चली गई थी कोरियर सर्विसेज के, वहाँ से मैंने अपना पार्सल रिसीव किया, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। बच्चे मुझे बार बार कॉल कर रहे थे क्योंकि कैट की हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है,
उसका बाहर से कैट आई थी, उसके साथ फाइट हुई थी उसकी, तो उसके हाथ में तकलीफ थी ये 2 वीक्स पहले, तो मैंने उसको डॉक्टर के पास भिजवाया था, मेडिसिन उसको मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सांस उसकी देखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो महनूर और सनी को तो मैंने वहाँ पर भिजवा दिया है, मैं देखती हूँ अभी कि महनूर ने कुछ बनाया है या नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस से आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। लेट मी सी क्या बना, आए हाय जले हुए चावल, और ये मेरी बच्ची ने दाल बनाई हुई है, वो भी मेरे ख्याल से जलाई हुई है, नहीं जली नहीं है, उसमें काली मिर्च डाली हुई है। तो मैं ये अभी लंच करती हूँ, बाकी ये जले हुए चावल हैं, ये तो मेरे खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं है क्योंकि मैं डाइट पर भी हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? ये भी मेरे ख्याल से पका के इन्होंने खाया नहीं है, पहले शुरुआत मैं ही करूँगी। बिस्मिल्लाह, बस थोड़ा समय, थोड़ी सी रोटी लूँगी, बाकी मैं स्पून के साथ, इसके साथ तो मैं थोड़ी सी रोटी लूँगी और मैं बाकी सोच रही हूँ स्पून के साथ खा लूँ, चम्मच के साथ, ताकि मेरी डाइट ख़राब ना हो। अचानक से लाइट चली गई है और ये मेरा छोटा सा लैंप जिसका मैं उस दिन मजाक भी उड़ा रही थी, तो ये काम आ गया। अभी मैं यहाँ पे लोग स्टडी करते हैं, मैं इस लैंप की रोशनी में अपना खाना खाऊंगी। अच्छा जी, तो अभी हम रोशी के हाथ से ये अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग करेंगे, आप सबको भी दिखाना है कि क्या है इसमें, मैंने क्या ऑर्डर किया था। इसके लिए मुझे करना पड़ा था पूरे 2 महीने का इंतज़ार, तो अभी आप सबको दिखाती हूँ, इसे खोल लो ना। ये मेरा हेयर कलर सेट आ गया, अभी लाइट नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर चेक करवाती। ये बहुत ही अच्छा है, इनको को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। हाँ यस, तो ये मैंने कर्लर सेट मंगवाया था, जाहिर है जो चाइना से आते हैं तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, दिखाऊं आपको हैं, अब इसमें तो आपको नज़र आने से रही नहीं क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी बूंदा बांदी हो रही है। पौधे मेरे बिल्कुल जो है ना उसको पानी नहीं डाला बच्चों ने, जब तक मैं पानी नहीं डालती कोई जहमत नहीं करता कि इन पौधों को पानी डाल ले, तो पहले मैं पौधों को पानी डालती हूँ, पौधों को पानी दे देती हूँ। बेचारे मेरे इंतज़ार में होंगे पौधे भी कि ज़किया को कब याद आएगा हमें पानी देना। इधर आओ, ये ज़रा भर लो, पानी ले आओ, ये रखो, यहीं पे रखो, फिर मैं संभालती हूँ। जनाब मुझे अब नीचे जाना है, बस ये उठा के नीचे जाते हैं। अच्छा जी, मुझे फिक्र हो रही है, लाइट ने आज बहुत मसला पैदा किया हुआ है, लाइट नहीं है, मुझे फिक्र हो रही है बच्चे मुझे कॉल करेंगे, और मेरे पास डिवाइस भी था लेकिन अब मुझे याद नहीं है वो कहाँ पर है। अच्छा जी, ये कपड़े भी मुझे आज टेलर को देने थे लेकिन बस वो ये कैट की वजह से सारे रह गए हैं, ये भी अब पेंडिंग कामों में से रहता है कि जब टाइम मिलेगा तब ही ये ले जाऊंगी। मैंने नमाज पढ़ ली है और बच्चे भी आ गए हैं कैट को लेकर, देखते हैं अब डॉक्टर ने क्या कहा है। डॉक्टर ने कहा है बिल्ली के चांसेस बहुत कम है बचने के। जी तो हंस क्यों रही हो, ड्रिप वगैरह लगा के दी है इसको। तो ये हमारी प्यारी सी कैट एक ही रह गई है, बाकी सारी लोग छुपा लेते हैं, बाहर चली जाती है, तो आप सब दुआ कीजिएगा इसके लिए कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने तो इसको जवाब दे दिया है
मेरी प्यारी कैट को तुरे बचने की चांसेस कम है। कम है चांसेस? तो तुम लोग सब इतना हंस हंस के क्यों बता रहे हो? क्या ये खुशी की बात है? ये इसको ड्रिप लगी है? हाँ। दोबारा लगेगी? सुबह घर से लेकर जाना है, उसके बाद भी लेकर जाना। कल फिर लेकर जाना है इस टाइम? अच्छा, इसको यहाँ पे गरम बिठाओ, ऊपर ये कंबल डाल लो। कोई मेडिसिन दी है डॉक्टर ने? और खाने का कुछ नहीं कहा? बस हर रोज लाओ के जो इंजेक्शन लग जाए। अच्छा, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैट हमारी बहुत ज़्यादा बीमार है, तोरा। मेरे पास तीन जो कि मैं बिल्लियाँ थी, आपने मेरी प्रीवियस जितनी भी व्लॉग्स हैं उसमें देखी होंगी लास्ट ईयर। तो पहले मैं जिस घर में थी, कैट हमारी थोड़ी सी बाहर जाती है, बस वो कोई पकड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। बहुत अफसोस की बात है, आजकल के दौर में ये बिल्लियाँ भी कोई नहीं छोड़ता कि बिल्ली पता नहीं किस घर से आई है तो उसको आप रख लेते हो अपने पास। क्योंकि खैर वो तो इसकी कीमत पर भी डिपेंड करता है। मेरी गाड़ी आ गई है, मैं जाऊँगी अभी ऑफिस, दोबारा टीवी जाऊँगी। तो मेरा व्लॉग यहीं तक था। आप सब से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा मेरी कैट के लिए। ये एक ही कैट मेरे पास बची है, जो अभी लास्ट वीक तक थी मेरे पास ऊपर छत पे, लेकिन अभी वो भी किसी ने चुरा ली है। ये एक ही कैट मेरे पास जो है वो रहती है। तो बीमार हो चुकी है, डॉक्टर्स ने तो इसको जवाब दे दिया है कि ये बचने वाली नहीं है। तो अल्लाह खैर करे, कल इसको दोबारा ड्रिप लगवाने के लिए ले जाएंगे। और बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। 10,000 सब्सक्राइबर्स भी मेरे हो गए हैं, तो इसका केक भी काटना है। लेकिन आप देख रहे हो, कभी मुझे ग्रॉसरी चाहिए होती है वो एकदम से प्लान मेरा कैंसिल हो जाता है। आज मेरा टेलर के पास जाने का प्लान था, वो भी एकदम कैंसिल हो गया। बीच में कोई ना कोई और काम निकल आता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी, आप सबके साथ वीडियो शेयर करूँगी, आप सबके साथ ही सेलिब्रेशन होगी हमारी। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।